नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में एक बार आपका फिर स्वागत करती हूँ। और आपको पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हम लोग हैप्पी न्यू ईयर करते हैं और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, मटर पुलाव कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मेरा 3 कटोरी ये चावल है, बासमती चावल है जो बिल्कुल लॉन्ग होती है, और इसको मैंने 15 से 20 मिनट भिगो के रखा है। और ये 1 कटोरा भर के, ये मेरा 250 ग्राम मटर के दाने हैं। और ये हमारे कुछ पनीर हैं, फ्राई किए हैं, अदरक, लौंग और ये तेज पत्ता और छोटी इलायची और दालचीनी। अब मैं इसको, और ये 10 से 12 काजू है। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। देखिए, 2 से 3 चम्मच आप देसी घी डालिए। ये देखिए, अब ये लाल हो जाएगा तब इसमें मैं ये अब मैं इसमें ये 1 चम्मच जीरा डालती हूँ, और ये चटकने दीजिए अच्छी तरीके से। और उसके बाद ये देखिए, मैं दालचीनी के टुकड़े करके डाल रही हूँ। इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छे आएंगे। और साथ में आपके ये तेज पत्ते हैं, और 4 से 5 आपकी छोटी इलायची, और 5 से 6 आपकी ये लौंग है। और आपको अगर खड़ी काली मिर्च डालनी है तो डालिए, नहीं तो फ्लेवर के लिए बाद में आप उसका पाउडर डाल दीजिएगा। और कुछ इसमें मैंने 1 से 1/2 इंच टुकड़ा मैंने अदरक काट के रखा है। इन सबको अच्छी तरीके से मैं फ्राई करूंगी। और इसके बाद मैं ये 10-12 काजू डालना है। काजू को भी इसी में मैं फ्राई करती हूँ। अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाएगा। अब मैं मटर के दाने भी डालूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। देखिए, ये भी वेज पुलाव है, मटर पुलाव, जिसमें हम केवल अभी मटर डाल रहे हैं। इसमें गाजर, गोभी, बीन्स, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ मटर डालूंगी क्योंकि मटर पुलाव बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप लोग भी आज पिकनिक पर निकलिए तो मटर पुलाव बच्चों को ले जाइए, बना के खिलाइए और इंजॉय करिए। और इसमें आप 12 से 14 किशमिश भी डाल सकती हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा किशमिश नहीं पसंद आता है, नहीं तो इसमें किशमिश भी हम डाल सकते हैं, थोड़ा सा मीठा फ्लेवर आएगा। अब इसको फुल आंच कर दीजिए। और इसमें हम नमक भी डाल देंगे, जिससे ये हमारा मटर जल्दी तैयार हो जाएगा। नमक मिलता है तो टेस्ट अच्छा आता है। अब इसके बाद 2 से 3 मिनट हम इसको जब फ्राई कर लेते हैं, तो इसके बाद अब हम इसमें चावल डालेंगे। मुझे और तो कोई सब्जी डालनी नहीं है, इसमें चावल डालेंगे। ये हमारी 3 कटोरी चावल है जो आपको दिखाया है। इसी कटोरी से ये मेरा 3 कटोरी चावल है, मैंने भिगो के 15 से 20 मिनट रखा था। अब इसमें हम डालेंगे सिर्फ चावल। इसको अच्छी तरीके से चलाते रहिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मटर भी एकदम घमाघम दिख रहा है, ग्रीन बिल्कुल। और बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, जो घर में आपके सभी कुछ अवेलेबल होते हैं मसाले, कुछ अलग से लाने की जरूरत नहीं है।
ये इसी तरह मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। और आपको इसमें बनाना है पैन में तो बनाइए कढ़ाई में, और नहीं तो आपको कुकर में बनाना है, जल्दी है कहीं जाना है तो आप कुकर में एक सीटी इसको बजा दीजिए और इसको फ्राई होने दीजिए। 3 मिनट में आपकी ये तैयार हो जाएगा। अब इसको हम इसमें पानी डालते हैं। हाँ ये देखिए, ये थोड़ा मैंने काजू भी डाल, अरे वो डाल दिया, पनीर भी डाल दिया, फ्राई किया था, और इसी से मैंने चावल लिया था, इसी से मैं ये 6 कटोरी पानी डालूंगी, क्योंकि ये हमारा 3 कटोरी चावल है, इसका जस्ट डबल पड़ता है, 2, 3, 4, 5, 1 मिनट इसको चला दें, फिर मैं डालती हूँ। हेलो, देखिए ये मैं इसमें एवरेस्ट का गरम मसाला छोटा स्पून है इसे थोड़ा सा डाला है। ये देखिए मैंने कढ़ाई से इसलिए कुकर में पलट दिया कि थोड़ा चावल ज़्यादा है, जब खिल के पकेगा तो अच्छी तरीके से इसकी टेस्ट आएगी। और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालती हूँ, ये देखिए मैं थोड़ा सा काली मिर्च पिसा डाल रही हूँ, खड़ा नहीं डालिए क्योंकि दांत के नीचे पड़ता है। और उसके बाद ये मैंने नींबू का जूस ये 1 चम्मच लिया है, इससे इससे खिला खिला चावल बनेगा। और अब अच्छी तरीके से इसको चला दीजिए। इसमें 6 कटोरी मैंने पानी डाला है, मैंने इसलिए शिफ्ट किया है कि थोड़ा हमें जल्दी भी है और बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये कढ़ाई हमारी थोड़ी छोटी पड़ गई थी। हाँ अब देखिए ये पक जाए तो हम आपको दिखाते हैं। और 3 से 4 मिनट बस आने तक 1 सीटी बजाइए, उसके बाद इसको बंद कर दीजिए और आप लोग खिला खिला चावल आपको हम दिखाते हैं। हाँ ये देखिए, ये मेरा कुकर में कितना खिला खिला चावल तैयार हुआ है, आप देख लीजिए, ये देखिए, वाह। इसीलिए मैंने कढ़ाई से इसको पलट दिया था कि थोड़ा चावल हमको ज़्यादा बनाना था, क्योंकि आज हमारे मायके से सब लोग इकट्ठे होके आएंगे, तो इसलिए अब हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। हर दाने खिले खिले हैं, इसी तरह आप भी बनाइए। और इसमें हाँ थोड़ा सा धनिया डालना था। अब इसके बाद मैं सब्जी दिखाती हूँ आपको, वाह क्या सब्जी बनी है। इसमें भी धनिया डालना है, सब्जी एकदम रेडी है, देखिए अपने आप एकदम मिक्स वेज सब्जी और मटर पुलाव हमारा रेडी हो गया है, देखिए क्या बात है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। ये अब आप इसी तरह आप भी मटर पुलाव और मिक्स वेज सब्जी बनाइए और अपने परिवार के साथ खाइए, और नए साल की पार्टी ज़ोरदार मनाइए, और बिजी इलाहाबादी को एक बार फिर से सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि ये आसान तरीक़ों से बनाया हुआ सब्ज़ी और पुलाव कैसा रहा। थैंक यू।